हेलो एवरीवन, आज का हमारा टॉपिक है रेशियो एंड प्रोपोर्शन, जो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है सीटेट के एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से। क्योंकि आप सीटेट का कोई भी प्रीवियस ईयर पेपर उठा के देख लो, इस टॉपिक से एक दो क्वेश्चन आपको मिलेंगे ही मिलेंगे। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये बाकी जो टीचिंग एग्ज़ाम है उसके लिए भी इक्वली इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ये जो क्वेश्चन है हम किससे करने वाले, एक शॉर्ट मेथड या शॉर्ट ट्रिक से करने वाले, क्योंकि बड़ा तो आपको आता ही होगा, तो किससे हम कम समय में इसको कर सकते हैं वो हम सीखेंगे। तो जैसे कि आपको क्वेश्चन दिख रहा होगा, ये प्रीवियस ईयर में आया हुआ है, ये जनवरी 2021 में। देखिए क्या है, दो संख्याएं 3:5 के अनुपात में हैं, प्रत्येक संख्या में 12 जोड़ा जाए तो यह अनुपात 5:7 हो जाता है, दी गई दोनों संख्याओं का योग क्या है, तो ये बताना है। ठीक है, तो देखिए कैसे करेंगे हम इसको शॉर्ट तरीके से। आंसर, तो दो संख्याएं हम मान लेते हैं ए और बी, एक ए संख्या है एक बी संख्या है। ठीक है, तो क्या बोला, दो संख्याएं 3:5 में है ना, तो ये पहला हो गया 3 और ये 5, क्योंकि अनुपात में है। ठीक है, हमने लिख लिया। फिर कह रहा है यदि प्रत्येक संख्या में 12 जोड़ा जाए, अब क्या है 12 जोड़ देंगे हम दोनों में, इसमें भी 12 जोड़ दिया, इसमें भी 12 जोड़ दिया, तो ये अनुपात कितना हो जाता है 5:7। ठीक है, यहाँ तक लिख दिया। अब जो है हमारा चालू होगा मेथड। अब हमें करना क्या है, देखिए शॉर्ट तरीके से, सबसे पहले करना है हमें क्रॉस, हमें मल्टीप्लाई करना है। जैसे 3 को हमें किससे मल्टीप्लाई करना है, इस 3 को इस 7 से मल्टीप्लाई करना है, तो कितना आएगा 3 7 21, और फिर इस 5 को इस 5 से मल्टीप्लाई करना है, कितना आएगा 25। अब क्या करना है, ये जो बड़े में से छोटा घटा देंगे, 25 में से 21 जाएगा तो कितना बचेगा 4, क्योंकि रेशियो में यानी अनुपात है ना, तो इंग्लिश में बोलते हैं रेशियो, तो आर लिख देते हैं हम। ठीक है, यहाँ तक हो गया। अब देखिए नेक्स्ट स्टेप क्या है, अब हमें फिर क्रॉस करना है, लेकिन अब इनको करना है, इस वाले को इससे, कितना आएगा 12 7 84, और फिर इसको इससे, तो ये कितना आएगा 12 5 60। अब 84 में से 60 जाएगा तो कितना बचेगा, घटा दो, आएगा हमारे पास 24। अब एक रेशियो की वैल्यू निकालेंगे, एक रेशियो की कैसे निकलेगी वैल्यू, ये 4 मल्टीप्लाई में उधर जाकर डिवाइड हो जाएगा, तो एक रेशियो बराबर हो जाएगा 24/4, यानी 1 रेशियो की वैल्यू कितनी आ गई 6, एक रेशियो की वैल्यू आ गई हमारे पास 6। अब उसने बोला था दोनों संख्याओं का योग क्या है, तो पहले हम संख्याएं निकाल लेते हैं। अब देखिए पहले जो ए हमारा था, यहाँ कर लेता हूँ, ए और बी, ए कितना था हमारा रेशियो 3 रेशियो था, और बी हमारा कितना था 5 रेशियो था, और अब एक रेशियो की वैल्यू कितनी आ गई 6, तो हम क्या करेंगे 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ए हमारा हो गया 3 6 18 और 5 6 30, तो ए और बी की हमने अलग अलग निकाल ली। अब इसने पूछा है दोनों संख्याओं का योग क्या है, तो हम ऐड कर देंगे 18 + 30, कितना आ जाएगा हमारे पास 48, तो यही हमारा आंसर है। तो ये शॉर्ट ट्रिक थी, ये आपको बस याद रखना पड़ेगा स्टेप, इससे आप क्या है बड़े से बड़ा क्वेश्चन आप आसानी से कर सकते हैं। चलिए अब अगला क्वेश्चन करते हैं। ये देखिए अब अगला क्वेश्चन है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है। देखिए क्या है, इंग्लिश वाले इंग्लिश में पढ़ सकते हैं, हिंदी वाले हिंदी में। देखिए, राम और श्याम की 5 साल पहले आयु का अनुपात 3:1 है, यानी 5 साल पहले, तथा 5 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात कितना है 2:1 हो जाएगा, तो उनकी वर्तमान आयु क्या है ये बताना है। तो देखिए हम कैसे करेंगे इसको सॉल्व, यहाँ पे क्योंकि हमें वर्तमान आयु निकालनी है, वर्तमान यहाँ पे दिया हुआ नहीं है, तो 5 साल पहले कौन कौन है, राम और श्याम, तो हम लिख लेते हैं राम और श्याम, 5 साल पहले जो उनके आयु का अनुपात है 3:1 हमने लिख लिया, और फिर बोला इसने 5 साल बाद, यानी देखो ये 5 साल पहले यानी पास्ट में है, भूतकाल में, तो प्रेजेंट मान लो हम यहाँ पे होगा, प्रेजेंट यानी वर्तमान आयु यहीं कहीं होगी है ना, अभी हमें पता नहीं है, यहाँ वर्तमान होगा क्योंकि ये 5 साल पहले है, और फिर बोला 5 वर्ष बाद उनके आयु का अनुपात कितना हो जाएगा 2:1, यानी 5 वर्ष बाद, यानी यहाँ मान लेते हैं 2:1 हो जाएगा। ठीक है, तो उनकी वर्तमान आयु निकालनी है, तो देखिए यहाँ पे कितना आएगा, क्योंकि यहाँ पे तो 10 का अंतर आ गया ना, ये 5 साल पहले था और 5 साल बाद, तो कितना इन दोनों के बीच में कितना अंतर आया, 10 साल का गैप है यहाँ पे, तो 10 साल, और यहाँ पे भी क्या है 10 साल, क्योंकि 5 साल पहले था और 5 साल बाद, तो 10 साल हो गए बस। अब हमें निकालना है, अब वही मेथड लगाएंगे हम पिछले वाला, इसको पहले हमें इससे मल्टीप्लाई करना है, कितना आ जाएगा 3 1 3, और फिर इसको इससे मल्टीप्लाई करना है 2 1 2, तो 3 में से 2 जाएगा तो कितना बचा 1, तो हम लिख लेते हैं 1 रेशियो बराबर,
अब नेक्स्ट स्टेप क्या होता है, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आएगा 10, फिर इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे 10 दूनी 20, फिर 20 में से 10 जाएगा तो कितना बचेगा 10, तो यहाँ पे एक रेशियो की वैल्यू हमारे पास आ गई 10। ठीक है, अब देखिए क्या करना है हमें, पहले तो हमें निकालनी पड़ेगी राम और श्याम की एज, राम और श्याम, तो राम और श्याम के पहले कितना अनुपात दिया था, 3:1, राम का 3 था और श्याम का 1 था, और एक रेशियो की वैल्यू कितनी है 10, तो हम 10 से गुणा कर देंगे, तो राम की एज आ गई 30 और श्याम की एज आ गई 10। लेकिन 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 अभी ये क्या है, सही आंसर नहीं है, क्यों? क्योंकि ये 5 साल पहले थे, और क्वेश्चन में हमें क्या पूछा उसने, वर्तमान आयु, तो पेपर में अक्सर गलत भी कर देते हैं बच्चे जल्दी के चक्कर में, तो ये आपको ध्यान रखना है, क्योंकि ये 5 साल पहले थी, तो अब यानी 5 साल बाद यानी यहाँ पे आ जाएगा, तो 5 साल हमें क्या करना पड़ेगा, जोड़ना पड़ेगा दोनों में, तो 35 और 15, तो राम की आयु हो गई 35 और शाम की हो गई 15। तो इस तरह से जो है आप फास्ट तरीके से कर सकते हैं, बस आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी थोड़ी सी। तो ये आपका तरीका था, कमेंट करके ज़रूर बताएं आपको ये क्वेश्चन कैसे लगे, उनकी शॉर्ट ट्रिक कैसी लगी, और आप सजेस्ट करें कि आगे आपको कौन सा टॉपिक पढ़ना है। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।